तो हम निकल रहे हैं सिद्धेश्वर मंदिर के लिए। तो फाइनली हाईवे पे आ गए हैं और निकल रहे हैं सिद्धेश्वर के लिए। हमारे घर से कल लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सिद्धेश्वर का मंदिर, यहाँ सोलापुर में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का फेमस गणपति, जो बोलते हैं कि अगर कोई भी मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए लेफ्ट में जो दिखा रहा है आपको धीरे धीरे दिखा दूंगा चलते चलते। ये देखिए ये लेफ्ट में जो गणपति है वो है पावन गणपति, जो कि मन्नत मांगने से पूरा हो जाता है ऐसा बोलते हैं। शिवाजी चौक फेमस सोलापुर का जो सिद्धेश्वर देवस्थान, यहाँ पे अभी हम गाड़ी मेरा पार्क करके मैं आपको दिखाऊंगा। दिख रहा है यहाँ पे आप रह सकते हैं अगर आप कहीं बाहर गांव से आते हैं। समर है इसलिए गाइस अभी तो पानी नहीं है, लेकिन अगर बारिश के मौसम में आप जब आते हो तो यहाँ पे बहुत सारा पानी भी अवेलेबल रहता है और मछलियाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। अभी दिखाता हूँ, मुझे भी यहाँ पे आके बहुत दिन हो गए हैं, तो बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सो लेट्स सी, टोकन मिला है चप्पल रखने के बाद। सो फाइनली हम एंटर कर रहे हैं। बेसिकली पाँव सब ऊपर करने पड़ेंगे क्योंकि पानी है, तो यहाँ आपको पानी में से जाना पड़ेगा। यह है गणपति का जी मंदिर, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। ये है एंट्री गेट, यहाँ से आपको अंदर जाना है। यहाँ का ये ब्यूटीफुल व्यू। फाइनली वी आर एंटरिंग टू द टेम्पल, सो ब्यूटीफुल। कार शिव योग समाधि। ठीक है ना, श्री सिद्धेश्वर शिवचरण दलित द्वार। सो बेसिकली यहाँ से मेन एंट्री हो जाएगी। सध्या कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, त्यामुळे मला दिसत असेल कन्स्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। एकदम सुंदर मंदिर आहे विठ्ठलाचे।
इथे छोटे छोटे खूब खूब मंदिर आहेत मध्येच मेन सिद्धेश्वर मंदिर बाकीचे ऑल वेगवेगळे विठ्ठल मंदिर महादेवाचे मंदिर खूप खूप मंदिर आहेत. सो हे अनादर महादेवाचे एक मंदिर. Beautiful statues of Mahadeva in Ganpati. Mm-hmm.